और गाड़ी फंस गई थी। देखिए इधर पीछे से दिखा, पीछे से दिखा, गाड़ी पूरा वहाँ पे धसने का अभी निकाल के। मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग, सबका वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग में। सुबह का 10 बज रहा है और मैं जा रहा हूँ कुछ काम से। देखिए किताब पीछे गाड़ी में भरा हुआ है और हमारे साथ अखिलेश भी जा रहा है और अमृत भी है। बोल दो हाय। बोलो हाय। कैसे हम लोग जा रहे हैं कासमाबाद किताब वापस करने। देखिए इसमें किताब पूरा भरा हुआ है और पीछे भी किताब भरा हुआ है। जाते हैं और आगे आपको दिखाते हैं क्या क्या होता है। जा रहे हैं, देखिए बगल में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है जो गाजीपुर से लखनऊ जाता है, आपको दिख रहा होगा इधर। और इस रोड के जस्ट बगल में ये रोड है। अभी हम लोग निकाले हैं उसमें से और अखिलेश दिखाओ इधर। पूरा लोड की वजह से गाड़ी वहां पे धस गई थी और देखिए पूरा भरा हुआ है किताब इसमें, और गाड़ी फंस गई थी। देखिए इधर पीछे से दिखाओ, पीछे से दिखाओ, गाड़ी पूरा वहाँ पे धसने का अभी निकाल के हम लोग आगे लाए हैं। गाड़ी उधर फंस गया था। आइए फिर चलते हैं और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे से उधर घुमा के लाए। तो दोस्तों गाड़ी निकल गई है और हम लोग चल दिए हैं अब। और काफी लोड था गाड़ी में जिसके वजह से गाड़ी धस गई थी वहाँ पे। और रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारा, और गांव का रोड है तो आपको पता ही है ख़राब रहता है, जल्दी बनता नहीं है इधर रोड। और आगे तो बहुत ज़्यादा गड्ढा है, फिर भी हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। 5 किलोमीटर की दूरी को हम लोग आधा घंटा में कवर कर रहे हैं। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या होता है। आप ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू आपको आगे दिखाते हैं। दोस्तों फाइनली हम घर पे आ गए। हमारी गाड़ी फंस गई थी, मैं आपको वीडियो में दिखाया हूँ, क्योंकि गाड़ी में इतना वजन ज़्यादा हो गया था किताब की वजह से, गाड़ी हमारी गड्ढे में फंस गई थी। तो हम गाड़ी क्यों निकाले, हम लोग मिल के फिर ले गए किताब निकाल के, हम लोग फिर घर पे आए। और अभी बज रहा है 3 बजने वाला है और मैं इस वीडियो को एडिट करके यहीं पर डाल देता हूँ। और आप सब इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और थैंक्स वीडियो देखने के लिए, अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए।